सबको मैंने ये तो बता रखा है कि मैं घर आ रहा हूँ आज, लेकिन अभी मैंने उनको ये नहीं बताया कि मैं पहुँचने वाला हूँ घर। ये कसम से आंगन खोलिए। क्या करना है? हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो यार, आज के ब्लॉग की शुरुआत एकदम नए तरीके से हो रही है, क्योंकि यार दिल्ली का ब्लॉग तो आपने जैसे देखा ही है, मैं ग्राउंड से स्टार्ट करता हूँ, बट आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं सुबह सुबह अल्मोड़ा से कर रहा हूँ अपने, क्योंकि मैं गया हूँ उत्तराखंड अपने गाँव, और अभी मैं पहुँचा नहीं हूँ, अभी मैं बस में ही हूँ। और मेन अल्मोड़ा में भी मैं नहीं पहुँचा, उससे थोड़ा पहले ही है अभी। तो यहाँ थोड़े चाय पानी के लिए बस रुकी है हमारी अभी, और ठंड इतनी हो रही है, मैं बोलते बोलते काम भी रहा हूँ। और मेरे पीछे देखिए आप, कितना ज़्यादा कोहरा लगा हुआ है यहाँ पे। तो ब्लॉग की शुरुआत करते हैं यहीं से अपने, और दिखाते हैं आपको। और यार, रात भर ठंड भी इतनी ज़्यादा थी आज कि कपकपी सी हो रही है, और यहाँ तो ओस भी गिर रही है। तो अभी तो चलते हैं और करते हैं अपने ब्लॉग को यहीं से स्टार्ट। तो गाइस, अल्मोड़ा में तो ज़्यादा रुका नहीं मैं, क्योंकि यहाँ का सीन कुछ थोड़ा अलग सा है आज, क्योंकि कल को यहाँ पे इलेक्शन है, तो कल को वोटिंग होगी यहाँ पे। तो इस चक्कर में सारी गाड़ियाँ आज इलेक्शन में लगी हुई है, ऐसा बता रहे हैं। तो इस चक्कर में अल्मोड़ा में मैं जैसे ही बस से उतरा था, तो एक टैक्सी आ गई थी, और मेरे को पता चला कि बस वस आज आएगी नहीं, तो फिर मैं ज़्यादा रुका नहीं अल्मोड़ा में और सीधे आ गया निकल के। और अभी मैं अपने वहाँ के एक स्टैंड पर पहुँचा हूँ, यहाँ का नाम है कटपुड़िया। तो अभी तो मैं कटपुड़िया पर रुका हूँ, बट यहाँ पे अभी गाड़ी वाड़ी कुछ नहीं है, और कोहरा अभी भी देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा कोहरा है। तो अभी फिर मैंने पापा को फ़ोन किया था, तो पापा आ रहे हैं लेने, तो वेट करते हैं यहीं पे थोड़ी देर, और आपको भी यहाँ का व्यू दिखाऊँ। देखिए कितना अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ पर, और सुबह सुबह की ठंडी, ऊपर से ये कोहरा, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके। और गाइस, धूप का भी सीन देख सकते हैं, ऊपर ऊपर धूप है और नीचे नीचे धूप है नहीं यहाँ पे, और पेड़ों के बीच ऐसे घिरा हुआ है यहाँ पे। यार, कल रात से इतनी ठंड लग रही है मेरे को, और कुछ खाया भी नहीं था ज़्यादा, तो अभी भूख लग रही है। तो यहाँ पर स्टॉल है एक, तो पहले तो चाय पीते हैं यहाँ पे, उसके बाद देखते हैं आगे को जो भी होगा, और पापा भी शायद तब तक आ ही जाएं। तो चाय वाय पीते हैं, उसके बाद चलते हैं यहाँ से, और यहाँ का थोड़ा व्यू दिखाऊं मैं आपको भी।
पापा तो मेरे काम की वजह से बिजी थे, तो इस चक्कर में वो आए नहीं। तो फिर मेरे को एक गाड़ी मिल गई थी, तो मैं उस गाड़ी में ही आ गया। और अभी अपने वहाँ की जो शॉप है मेरे वहाँ पे, जो मेन रोड में पड़ती है, तो अभी तो वहाँ पे पहुँच गया मैं। और अब यहाँ से नीचे हिल में नीचे जाना पड़ेगा मेरे को, तो वहाँ मेरा गाँव पड़ेगा नीचे ही। तो चलते हैं और आपको भी दिखाऊँ। देखिए मेरे वहाँ तो अभी तक इतना कोहरा है और ऊपर वाले साइड में धूप निकली हुई है। और दिखाऊँ मैं आपको भी एक व्यू, देखिए ये देखिए नीचे कोहरा है पूरा और यही है मेरा गांव। और ऊपर है शाही देवी, जहाँ देखिए अभी भी बर्फ़ गिरी हुई है। तो यहाँ भी जाएंगे कभी बाद में, फ़िलहाल तो अभी घर चलते हैं आप सीधे। तो यार इतनी अच्छी धूप खिली हुई है, और जैसे जैसे मैं नीचे को जा रहा हूँ वैसे वैसे कोहरा भी ज़्यादा दिख रहा है मेरे को, क्योंकि ऊपर के साइड तो धूप है और नीचे के साइड को काफ़ी कोहरा है। और देखिए इन चीड़ के जंगलों से होते हुए जा रहा हूँ मैं, सारे चीड़ चीड़ के ही पेड़ हैं यहाँ पे। और रास्ता भी एकदम खड़ा है, एकदम हील वाला, तो इसमें गिरने विरने का डर भी लग रहा है। देखिए आप भी किस तरह से रास्ता है यहाँ पे, देखिए पूरी हील ही है। और जैसे जैसे आप देख सकते हैं, जितना जितना नीचे मैं जा रहा हूँ कोहरा उतना ज़्यादा दिख रहा है। और यार घर पहुँचने की एक्साइटमेंट ही कुछ अलग है, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद घर जा रहा हूँ, तो काफ़ी खुशी भी हो रही है। और आज सबसे मिलने को मिलेगा घर में, तो सबको जाके सरप्राइज़ देते हैं आज, क्योंकि सबको मैंने ये तो बता रखा है कि मैं घर आ रहा हूँ आज, लेकिन अभी मैंने उनको ये नहीं बताया कि मैं पहुँचने वाला हूँ घर। तो अचानक से जाके उनको सरप्राइज़ देते हैं आज, देखते हैं कैसा रिएक्शन रहता है घर वालों का। तो गाइज अभी पूरे हील उतर के आ चुका हूँ मैं, और अभी अब मैं नीचे आ चुका हूँ। यहाँ से अब थोड़ा ही पड़ता है मेरा घर, और रास्ता भी अब ज़्यादा हील वाला नहीं है, सीधे सीधे वाला रास्ता है। तो बस पहुँचने वाला ही हूँ मैं, और यहाँ पे तो रास्ता पूरी झाड़ियों वाला है। पूरा पैक होके आ रखा था मैं दिल्ली से, बट अभी मेरे को गर्मी लगने लग गई है। और कुछ भी बोलो, घर आने की खुशी तो कुछ अलग ही होती है। और बस जस्ट पहुँचने वाला हूँ मैं, और फिर देखता हूँ घर वालों का रिएक्शन कैसा रहता है। बस ये घर के ऊपर ही पहुंच गया मैं, और ये रहा मेरा घर सामने ही, देखते हैं। ओ पहुंच गया मैं घर। नमस्ते। और ये मेरा छोटा भाई एकते, हमारा पिल्लू मरबुना कसा हकूत अब कौन मिलता। गाइस घर आके मैं एकदम एक्साइटेड था मम्मी से मिलने के लिए, लेकिन मम्मी है नहीं घर पे, और मम्मी तो गई है खेतों में काम करने के लिए। तो अभी आएगी तो मम्मी से फिर मिलते हैं। और छोटी बहन मेरी बना रही है चाय, तो चाय पीते हैं पहले, उसके बाद देखते हैं। और अभी तो अब यहाँ पे भी धूप आ गई है, और काफ़ी अच्छा लग रही है धूप में अभी तो। और घर में एक नया मेम्बर दिख रहा है, और दो मेम्बर, एक बकरी भी है हमारी, और हमारा भैंस तो ये रहा। इनके लिए तो बाद में डिटेल में दिखाते हैं, और पहले चाय पीते हैं। चाय आ गई है मेरी। तो मम्मी आ चुकी है, और ये देखिए मम्मी के घास का गट्ठर, पता नहीं कितनी दूर से लेके आ रही है मम्मी। तो मम्मी आ चुकी है, मम्मी को घास फेंकने देते हैं और मम्मी से मिलते हैं हम। चलो लाज तो गाइस, सबसे पहले मैं कपड़े चेंज करने से पहले, जो मेरा मेन काम है पहले, तो कि छोटी बहन को सरप्राइज गिफ्ट देना है, तो पहले छोटी बहन को सब्सक्राइब गिफ्ट देते हैं और बुलाते हैं उसको, और देखते हैं उसका रिएक्शन कैसा रहता है। और वीडियो शूट बबलू करेगा, देखते हैं।
बैठ बंद कर आँख खोल इस अंकिता का रिएक्शन देखिए तो गाइस सुबह इतना ठंडा था और अभी तो एकदम इतनी क्लियर धूप है और अभी तो मैं खाना खाने के लिए बैठा हूँ और धूप में खाऊंगा आज और पता नहीं क्या बनाया है तो बनी है खिचड़ी आज और बबलू ले आए मेरे लिए भी तो खाना वाना खाते हैं। दिन में तो यार इतना थका था रात को तो सो गया था मैं खाना वाना खा के और अभी जस्ट शाम का ही टाइम है तो घर से थोड़ी दूर निकल के आया हूँ मैं अभी देखिए और यहाँ भी इतनी ठंडी हवा चल रही है शायद आवाज़ सुनाई दे आपको पीछे मेरे और बगल में क्योंकि जंगल है इतना बड़ा और इतने सारे पेड़ वेड़ हैं तो मैं इधर थोड़ी धूप थी क्योंकि मेरे घर के वहाँ पे तो धूप भी चली गई है तो मैं थोड़ा इधर ऐसे घूमने आ गया तो बाकी का देखते हैं अभी कुछ काम वाम क्या क्या होता है। सो गाइस जिस तरह से दिन में इतनी कड़क धूप थी यहाँ पे और उसी हिसाब से अभी ठंडा भी होने लग गया है और देखिए इतने सारे कपड़े पहन के पूरा पैक हो रखा हूँ मैं और ठंड काफ़ी लग रही है तो दिन भर तो ऐसे आराम ही किया है तो अभी थोड़ा घर के आसपास घूम रहा हूँ और देख रहा हूँ यहाँ पे और इस साइड धूप पूरी जा चुकी है लेकिन सामने वाली साइड है क्योंकि यहाँ पे सुबह सुबह धूप काफ़ी जल्दी आ जाती है और दिन के टाइम पर फिर चली भी जल्दी जाती है। ये देखिए सारी खेतों में सरसों हैं यहाँ पे। तो यार आज का दिन काफ़ी थकान भरा था मेरा तो सुबह सुबह आया फिर दिन में आराम किया तो आज तो कहीं जाना वाना हुआ नहीं इधर तो घर में ही था आज तो और देखा ही जैसे कि आपने सीन वीन भी कुछ ज़्यादा था नहीं और अभी अब टाइम भी हो ही चुका है इवनिंग का तो आज के ब्लॉग को एंड करते हैं यहीं पे और कल हमारी वोटिंग है तो यहाँ पे तो कल तो वोट वोट देने जाना है तो फिर कल न्यू ब्लॉग की शुरुआत करते हैं और एक न्यू ब्लॉग के साथ मिलते हैं कल आपको और मैं ट्राई करूँगा अभी कि जब तक मैं गांव में हूँ तो डेली ब्लॉगिंग करने की कोशिश करूँगा और आई होप आप लोग को मेरी ये जो भी होगा डेली ब्लॉगिंग की सीरीज पसंद आए। तो इतना ही था गाइज इस ब्लॉग में आई होप आप सभी को पसंद आए तो एंड करते हैं आज के ब्लॉग को यहीं पे और मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में तो तब तक के लिए टेक केयर बाय बाय सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग।